देखो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और दबाओ घंटे को ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिले। एवरीवन, दिस इज विनय, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो, फिलहाल ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोगों के साथ कितना बढ़ी है जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो एक ये पहना हुआ है और एक ये पहना हुआ है, फिर ग्लव्स भी, क्योंकि हाथ भी ठंडा हो जा रहा है और चेहरा के लिए कुछ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई है। ठीक है, और आज वैसे भी हम लोग का धान वगैरह मिसाई कर रहे हैं, तो उसको काम दिया गया है कि चलो लेके आना है। मेन क्या है ना कि बहुत जगह पे धान का खेत है, तो अलग अलग जगह मिसाई कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर जहाँ पहुँच पाता है वहीं से कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं। तो दिखाते हैं आप लोग को कि हमारा खेत कहाँ पे है। थोड़ा सा उबड़ खबड़ खेतों में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगा। और फिलहाल गांव का तो पता ही है कि आजकल के मौसम में सिर्फ ठंडी है, आग तपाओ, स्वेटर पहनो और धान वान का मतलब कि स्टोर करो, क्योंकि लगभग सभी साइड हो गया है। और कितने साइड में धान नहीं कटा है बताना, क्योंकि मैं पता किया कोरिया साइड भी नहीं कटा है। बाकी फिलहाल हमारे साइड तो हो गया है, आप लोग के साइड में जरूर कमेंट करके बताना। लाल चलो अभी नाश्ता करने चलते हैं, कुछ स्पेशल बन रहा होगा, उसके बाद में दिखाएंगे आप लोग को आगे का प्रोसेस। ये देखो आज सुबह सुबह बन रहा है स्पेशल रोटी, कौन कौन खाया जरूर बताना। देखो इसमें ऊपर में आग रखा हुआ है रोटी के ऊपर में, ये बहुत मोटा होता है इसलिए ऊपर से भी पकने के लिए ना इसमें अंगारा डालते हैं ताकि अलग ही टेस्ट आए इसमें, मस्त। चलो फिलहाल गाँव का धान मिसाई वाला माहौल हो गया है, तो फिलहाल धान को डुहार रहे हैं सारा का सारा जो कि हमारे कोठार के पास है। चलो दिखाते हैं, कोठार के पास में मिसाई किए थे धान कटाई करने के बाद में, और यहाँ पे लाया जा रहा है, बहुत सारा बच्चा है। चलो सारा कुछ दिखाते हैं आप लोग को। देखो यहाँ हमारे घर के बाहर में भी मतलब शुरू कर दिए हैं मिसाई वगैरह, ये भैया लोग का हो रहा है जो कि ठीक घर के सामने में है। बाकी कचरा उड़ रहा है ऊपर, पूरा ऊपर तक भी कचरा चढ़ जा रहा है पेड़ में। देखो हमारे कोठार लेके चलते हैं आप लोग को दिखाता हूँ, जो कि गाँव में कोठार होता है, शहर में तो नहीं होता। बाकी गांव में देखोगे तो ये रहा हमारा कोठार, जहाँ पे ना हम लोग धान का मिसाई करते हैं। ये देखो और यहाँ पे मिसाई हो गया आधा में, तो पैरा में बच्चे लोग खेल रहे हैं डांक डांक के। और ये देखो इधर, और शाम का मौसम भी हो गया है, और यहाँ पे नानी जो कि बोरा में भर रही धान को, और ये सब मिसाई करना बचा हुआ है, और ये सबको बचा हुआ है, और इधर आधा का हो गया है जिसका ये पूरा पैरा है, और बाकी ना देखो पेड़ में भी चढ़ गया है। और इधर नानी अपना हवा के, हवा का देखो, हवा का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, इसको धान को छांटा जा रहा है देखो। उसके बाद अब हम निकल चुके हैं हम जंगल वाले रास्ते में, मतलब ये है 2-4-10 खेत पार करोगे ना उसके बाद में, वहाँ लेफ्ट साइड में दिख रहा है और लेफ्ट साइड में तालाब है, और ये एक खेत है जिसमें कुछ कुछ लगाया हुआ है, इसको क्रॉस करके आगे जाना पड़ रहा है। देखो मतलब यहाँ पे राइट साइड में बहुत सारा धान का खेत है जो कि कटाई लगभग हो गया है, मिसाई भी, बाकी हम लोग का भी यही मिसाई किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ना यहाँ से धान ले जाके वहाँ मिसवाने में दिक्कत होता है, तो जिसके लिए ना जहाँ पे खेत रहते हैं वहीं पर करते हैं। देखो उधर तालाब, फिर उधर गाँव है जहाँ इतना दूर से हम लोग को यहाँ पर आना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पर अब इसको भरेंगे, क्योंकि नानी लोग ना पहले से कर चुके हैं। यहाँ भी देखो कितना सारा पैरा हो गया है, इतना ज़्यादा। ये देखो रस्सी लेना भूल गए थे हम लोग, गलत रस्सी ले आए थे, इसकी वजह से ना मेरे को बिना बांधे मेरे को धान को लेके जाना पड़ रहा है बाइक में, और एकदम जंगल में है, मतलब बहुत अंदर में, मतलब 2-4 खेत पार करोगे तब जाके हम लोग का वहाँ पे मिसाई करके रखे हैं, जिसको लेके आना पड़ रहा है। सारा धान को ही बाइक में ही लेके आ रहा हूँ, ठीक है, पापा के साथ ला रहे हैं दोनों के दोनों। और फिलहाल ये लास्ट बोरा है जिसको लेके जा रहा हूँ गांव, ये हमारा गांव का स्टार्टिंग है जो कि हमारे खेत साइड से आओगे तो दिखेगा। बहुत लोग को तो गांव का नाम भी नहीं पता होगा, फिलहाल गांव का नाम है बिच्छी नारा। जहाँ पे आओगे तो फिलहाल घरघोड़ा साइड से आते हैं, मेन तो घरघोड़ा है, रायगढ़ का घरघोड़ा क्षेत्र, क्योंकि बिच्छी नारा बोलने से कौन जानता है, बाकी घरघोड़ा क्षेत्र बोलोगे तो ज़्यादा जानेंगे। और फिलहाल यहाँ से स्टार्ट होते हैं घर, जो कि ज़्यादा बड़ा गाँव तो नहीं है, बाकी यहाँ पर राइट साइड में है हमारा घर, बहुत लोग ने वीडियो में देखा होगा, और नहीं देखे हो तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। घर आने पे कुछ स्पेशल मिला यहाँ पे, ये है मछली का अंडा, कितने लोगों को पता है और कितने लोग खाते हो, बहुत लोग नहीं खाते होंगे, बाकी ये बहुत ही अच्छा लगता है ये मछली का अंडा। और आज तो धान की मिसाई हो गई है तो फिलहाल मच्छी बन रहा है, ये देखो मच्छी मार्केट से लेके आए हैं, बाकी मार्केट तो दिखा नहीं पाया, बाकी यहाँ पर संडे मार्केट होता है हमारा रायकेरा का, जहाँ से लेके आए हैं इसको, मच्छी की सब्जी बनेगा और अंडा कौन कौन खाते हैं ज़रूर बताना। ये देखो
इसकी मम्मी ने शायद पकड़ के ला दी, या तो पता नहीं बच्चा ही पकड़ा, लेकिन खाने को सिखा रहा है मम्मी इसको। हमारे घर की बिल्ली तो गिलहरी तक पकड़ लेते हैं, इन लोग इतना पावरफुल होते हैं। देखो मस्त। और बाकी बच्चे ना गधे लोग हैं, दो तीन बच्चे बिल्ली वाले घूम रहे हैं। देखो 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 देखो, ये बच्चे लोग पकड़ना नहीं सीखे हैं, एक ही बच्चा पकड़ना सीखा है। ये देखो मैं हूँ, देखो इधर इधर देखो इधर, यहाँ पे यहाँ पे भागो। संगवारी हो, अगर वीडियो पसंद आई सोही था लाइक कर दो और चैनल ला सब्सक्राइब करेला बिल्कुल मत भुलाओ। आप मन के एक सब्सक्राइब करे से हमर मन के उम्मीद बढ़ते। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।